तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप करता हूँ आप सब लोग ठीक होगे, ठीक है ना, और मेरी वीडियो देखते रहना। तो गाइस, जैसे वीकेंड स्टार्ट हो गया और आपको पता है हम खुराफाती तो हैं ही, वीकेंड स्टार्ट होता है हम कुछ खुराफाती तो करते हैं। वैसे जो लोग मुझे जानते हैं तो उन्हें पता होता है कि वीकेंड में मेरा सैटरडे संडे में से एक दिन बेबे के साथ होता है। पीछे बेबे आपको दिख रही होंगी, ठीक है ना, बेबे आपको भी दिख रही होंगी। वैसे ब्लॉक के चक्कर में ना आगे मैंने स्पीड ब्रेकर नहीं देखा, तो हल्का सा बम्प आया, तो होप यू डोंट माइंड। तो आज बेबे के साथ मैं आ रहा हूँ। बेबे अपनी बड़ी धार्मिक, या तो धार्मिक मूवीज देखती हैं या तो पंजाबी मूवीज देखती हैं। तो लास्ट हमने मूवीज देखी थी कौन सी, चल मेरा पुत। तो आज जैसे सैटरडे, तो आज मैं मम्मी को दिखाने लेके जा रहा हूँ, क्या कहते हैं, नाम भूल गया, हौसला रख। मम्मी के दो ही फेवरेट हैं, गिप्पी ग्रेवाल और दिलजीत। मतलब दिलजीत तो उनका डाई हार्ट फेवरेट फैन, मम्मी मैं फैन है उनकी, ठीक है ना। तो अभी आज हम जा रहे हैं मूवी देखने, हौसला रख। मैं तो देख चुका हूँ, बहुत एपिक मूवी, आप भी जाकर देखना। तो आज चलते हैं, आज हम जा रहे हैं सिनेपोलिस जा रहे हैं साकेत में। मतलब मेरे को पता नहीं हो तो मैंने ऑनलाइन बुक कराई, देखता हूँ सही से बात। और आपको मैं आज एक यूनिक चीज बताऊँ, आज का जो व्लॉग है ना वो मैं कैमरे से शूट नहीं करूंगा, आज का जो व्लॉग है वो मैं शूट करूंगा अपने नया 13 Pro Max से, सेरा ब्लू कलर्स, देख सकते हो आप लोग मेरे दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि ये मैंने कहा यार इसकी लोग इतनी तारीफ कर रहे थे उस दिन, पता नहीं कल भी मैं इंस्टाग्राम में और रील्स वो स्क्रॉल कर रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि क्या कहते हैं इसके वो कैमरे के बारे में बता रहे, तो मैंने कहा हम भी देखते हैं। तो आज का जितना भी सारा का सारा व्लॉग शूट होगा वो इससे होगा। तो स्टे ट्यून गाइस, मैं आपको दिखाता हूं कहां जा रहा हूं आज का। तो गाइस, जैसे आपने देखा होगा, जैसे मतलब मैं, ये DLF एवेन्यू मॉल है, न्यू मॉल अभी बनाई है, जो बन रहा था पहले। जैसे अगर आप पहले प्रोमिनेंट आते होगे ना तो ये बिल्कुल अभी न्यू बना। और जैसे आपने देखा होगा मैं ऊपर से नीचे लॉबी तक आया हूँ ना भाई, मेरे को जेनवनली ऐसा लग रहा है कि ये मैं कहीं फॉरन में आ गया। मतलब पार्किंग में पहली बार नीचे पिंक कलर, जो थोड़ा आई कैचिंग सब, आपने देखा होगा जब मेरे टाइम लैप्स में आप देखोगे तो मैं दिखा रहा हूँ। देखो पीछे अपनी गाड़ी मैंने यहाँ पे पार्क करी, और यहाँ पे उन्होंने फॉरन वाला सीन किया। जो लोग बाहर गए होंगे उन्होंने फॉरन ट्रैवल किया होगा, तो मैं आपको चीज़ दिखा रहा हूँ क्या करा है वो दिखा। मेरी कार लगी हुई है ना, ये वेकेंट स्पेस नहीं है, तो इस पे क्या कहते हैं ऊपर रेड हो गया है, अब ये अवेलेबल स्पेस है, तो इसके नीचे ग्रीन है। मतलब जैसे आप दूर से आओ तो आपको दिख जाएगा कि क्या कहते हैं कि ये स्पेस अवेलेबल नहीं है, वेकेंट हो चुका है। तो ऊपर उस पर रेड सिग्नल है और यहाँ पर खाली स्पेस है, तो ये ग्रीन। तो सही में मतलब मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, फर्स्ट टाइम कभी अभी बना है इसकी पार्किंग भी बिल्कुल। जैसे आप देख लोगे मैं जब मैं ऊपर से नीचे पार्किंग लॉबी में आया हूँ, तो मैंने आपको दिखाया बहुत स्मार्ट लग रहा है। अपना 12:40 का शो है, हम थोड़ा लेट हो चुके हैं, जाते हैं आपको अंदर से दिखाते हैं मॉल कैसा है। बिल्कुल नया मॉल है, मैं आज आपको सही से एक्सप्लोर कराता हूँ। पहले तो मूवी देखेंगे, उसके बाद फिर जब लंच वंच करने जाएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ पूरा मॉल एक्सप्लोर करा के। ओके गाइस, सो स्टे ट्यून। जैसे अभी हम आए हैं, अपने 20 मिनट्स हैं अपने शो को अभी स्टार्ट होने में, तो थोड़ा मैं आपको तब तक मॉल कराऊं, दे दूँ टूर तो मैं आपको बाद में दे सकता हूँ, बट तब क्या है, तब भीड़ हो जाएगी। आज वैसे ही वीकेंड है तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो मैं आपको थोड़ा सा अंदर से मॉल दिखा दूँ जितना मैं दिखा सकता हूँ। उसके बाद अगर कुछ शॉपिंग करेगा तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। मेरे को अपनी एक दो फ्रेंड ब्रांड यहाँ मिल चुकी है, जैसे सुपर ड्राई हो गया, तो वहाँ से कुछ लूँगा तो भी आपको दिखाता हूँ। पहले मैं आपको अंदर मॉल का थोड़ा सा टूर दे देता हूँ। ज़्यादा तो कुछ नया मॉल तो इसलिए कह सकते, रेनोवेट हुआ है। अगर आप लोग आते होगे तो जो सिल्क सिटी वॉक है, कुछ साथ वाला जब आप आते होगे ना, तो जो मॉल रेनोवेट हो रहा था ये वही मॉल है, और अंदर से बहुत अच्छा बनाया है, रेनोवेट किया या बनाया बहुत अच्छा बनाया, मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से टूर देता
गाइस जैसे हम आ चुके हैं अंदर सिनेपोलिक्स के अंदर, ये पीछे अपना ऑर्डरिंग काउंटर है सारा का सारा, जहाँ से हम अपनी मूवी के लिए जो भी बीच में स्नैक्स है, मतलब मैं पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न जो भी लेता हूँ वो आपको दिखाता हूँ मैं क्या लेता हूँ, ऑर्डर करते हैं फिर मास्क बना के ब्लॉग बना रहा था आप लोगों को दिखाने के लिए, मैं आपको दिखाता हूँ फिर जाते हैं अपना ऑर्डर करते हैं कि हम आज क्या क्या लेते हैं, यहाँ पीछे से हम ऑर्डर करेंगे देखते हैं क्या क्या लेते हैं। गाइस हमने अपना ऑर्डर कर दिया है, यहाँ पर ऑर्डर हो रहा है, बट पता है बस मेरे को यहाँ पर एक चीज़ वो लग रही है, मैं स्क्रीन पर डिलीवर करवाया, मैंने बोला सब कुछ स्क्रीन पर और स्क्रीन कह रहा हूँ सीट पर डिलीवर कर देना, सीन क्या है बस यहाँ पर ना कि यहाँ पे मास्क का बहुत सीन है, दो मिनट में मास्क उतार रहा हूँ एकदम से, पीछे से उनके एक स्टाफ मेंबर आ जा रहे हैं सर मास्क पहन लो, तो मतलब इस सैनिटाइजेशन ये कह लो या फिर इसकी कोविड की इन्हें बहुत वो है, पहला शो है मेरे हिसाब से सवेरे सवेरे क्योंकि बेबे के साथ है, वरना तो मैं नाइट शो देखता हूँ, बेबे के साथ आया हूँ तो इसलिए इनको पहले का शो करना, क्योंकि इन्होंने क्या करना है, इन्होंने पंजाबी मूवी देखनी होती है, शो देखने के बाद फिर ये जाएंगी फिर ये शॉपिंग भी करेंगे, तो इसलिए मैं सवेरे सवेरे लेकर आया हूँ। तो क्या क्या मैंने खाने के लिए ऑर्डर किया वो मैं आपको बताया, तो मैंने सैलड ऑर्डर किया, पॉपकॉर्न ऑर्डर किया है, जूस ऑर्डर किया है, मतलब जो भी बेबी लेती है आज, मतलब जैसे कहते हैं बेबीज डे आउट, तो वैसे ही आज बेबीज डे आउट, तो आज हम बेबी डेज आउट पे, मैं दिखाता हूँ आपको मेरे जब ऑर्डर आएगा सारा, मैं भूल गया मैंने क्या ऑर्डर किया है, जब आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये हम आ चुके हैं सिनेपोलिक्स पे अपनी ऑडी नंबर में अंदर एंट्री कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं एंट्री, हमारी लास्ट की लेन है, गोल्ड क्लास नहीं बेबे ने आज ही देखनी थी, तो इसी को हम जितना गोल्ड क्लास बना पाए हैं वही मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारी सीट्स हैं, दीज आर आवर सीट्स, ये है हमारी सीट्स, लास्ट लेन है ये हमारी, वहाँ से लास्ट से वो है, ये सीट्स हमारी हैं, ये मेरी और ये बेबे की, ये सीट्स हैं हमारी। तो गाइस ये लोग बैठे हुए हैं सारे के सारे नीचे, सारी की सारी नीचे वाली नॉर्मल सीट्स हैं, और ये हम आएंगे अपनी सीट्स पे बैठते हैं फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखो अपनी सीट का रिक्लाइनर मैंने ऐसे करके ऊपर कर दिया, अब यहाँ से ऐसे पीछे से सीट को यूँ अपना रिक्लाइनर को टिल्ट कर लेंगे, बेबे साथ में बैठी है, सही हो ना मैं आप, सही बन गई है चेयर, होप करता हूँ आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा, अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, तो ओके गाइस बाय, सयोनारा, टाटा, टेक केयर।